आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा खीर भवानी मंदिर के, जो गांदरबल जिले में है और श्रीनगर से 25 किलोमीटर दूर है, और जो मुख्य राजमार्ग है उससे 5-6 किलोमीटर अंदर आना पड़ा है। और बताया जाता है कि ये मंदिर कश्मीर के सबसे मशहूर मंदिरों में से एक है। अमरनाथ यात्रा के बाद सबसे ज़्यादा यात्री इसी मंदिर में आते हैं। सारे कश्मीरी यहाँ पर पूजा करने आते हैं, या कश्मीरी जो हिंदू हैं उनकी कुल देवी बताई जाती हैं खीर भवानी। और ये खीर भवानी मंदिर बहुत पौराणिक मंदिर है। इसे रामायण काल से बताते हैं कि रावण से नाराज माता हो गई थी, और उस वक्त उन्होंने हनुमान जी की सहायता से यहाँ पर वो पहुँची थी। तो ये मंदिर इतना पुराना है। और उसके बाद यहाँ के जो कश्मीर के राजा प्रताप सिंह थे और महाराजा रणजीत सिंह थे, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। और इस मंदिर के अंदर एक सबसे बड़ी जो खासियत है जो हमें पता चली कि यहाँ पर एक कुंड है, और उस कुंड का पानी काला पड़ जाता है। जब किसी आपदा को आना होता है या कोई आपदा आने वाली होती है कश्मीर में, तो कुंड का पानी काला पड़ जाता है, वो एक संकेत होता है आपदा आने वाली है। साथ में खीर का यहाँ पर प्रसाद चढ़ता है, वसंत ऋतु में मेला लगता है खीर भवानी का। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये अपभ्रंश है खीर भवानी, क्योंकि क्षीर सागर में भगवान विष्णु निवास करते थे और क्षीर सागर में लक्ष्मी जी उनके साथ होती थी। तो ये क्षीर सागर या क्षीर सागर जो होता था उससे क्षीर से ये क्षीर भवानी का नाम था या रहा होगा। धीरे धीरे कालांतर में ये खीर भवानी क्षीर से खीर भवानी में परिवर्तित हो गया। इस बारे में हम मंदिर समिति के पंडित जी से बात करने का प्रयास करेंगे और विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि और क्या मान्यताएं इस मंदिर को लेकर हैं, साथ में क्या इसकी महत्ता है। तो हमारे साथ हैं माता खीर भवानी मंदिर के पंडित वेद जी, जो यहाँ पर पूजा पाठ भी करते हैं, माता की सेवा में भी लगे हैं। और ये खीर भवानी का जो मंदिर है ये तुलमुला गांव में है, गांदरबल ज़िला, जो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर एक कुंड भी है जिसके बारे में हमने आपको थोड़ा सा बताया था। हम सभी विषयों पर पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, हम आपसे जानना चाहते हैं इस मंदिर की महत्ता क्या है। जय माता दी। मैं पंडित द्विवेद खीर भवानी मंदिर से बोल रहा हूँ, और आपको मैं माँ भगवती के बारे में आज जानकारी देना चाहूँगा। तो ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये माता जो है श्रीलंका से आई है। जो रावण था, रावण की इष्ट देवी थी माता, ये माता पार्वती जी का रूप है। तो रावण ने माँ पार्वती जी से कहा कि माता, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा कुटुंब है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी लंका में आओ और मेरे कुल की रक्षा करो। मेरे हज़ारों रिश्तेदार हैं, हज़ारों नाते पोते हैं। तो माँ पार्वती जो थी रावण पे बड़ी प्रसन्न हुई, उसकी भक्ति पे बड़ी प्रसन्न हुई, और वह लंका में प्रवेश करती हैं महाराज राजेश्वरीय रागिणी रूप में। तो रावण जो था वो अहंकारी और अत्याचारी होता गया। उसे लगा कि इस सृष्टि में मेरे जैसा बुद्धिमान शक्तिशाली कोई नहीं है। वो दिन ब दिन अहंकारी और अत्याचारी होता गया। इतना अहंकारी और अत्याचारी हो गया कि उसने माता सीता का हरण कर लिया। माता सीता का हरण करने के बाद जो है रावण श्री राम द्वारा युद्ध में पराजित हो गया। तो माता जो थी वो हनुमान जी से कहने लगी कि हनुमान जी, आप मेरे को यहाँ से ले चलिए, ये धरती जो है अपवित्र हो चुकी है, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, और जहाँ पर ब्राह्मण की हत्या हो वहाँ मैं कैसे रह सकती हूँ, ये धरती तो पूरी खून से लाल हो चुकी है। तो हनुमान जी बोले कि माता, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, आप माता हो, मैं आपको कैसे ले जाऊँ। तो माता ने कहा कि आप बड़े बुद्धिमान हो, आप अपनी बुद्धि से मुझे ले चलो। तब हनुमान जी कहते हैं कि माता, इस सृष्टि में सबसे पवित्र जो है जल को माना जाता है, यदि आप जल बन जाओगे तो मैं आपको करमंडल में डाल के ले चलूँगा। तो माता जो है वो जल बन जाती है, और हनुमान जी उन्हें करमंडल में लेके यहाँ पे इस कुंड में विराजमान होती है। तो पंडित जी, हाँ जी, कुंड की जो बात थी, हमने कुंड के बारे में पढ़ा कि कुंड का जल जो है वो रंग बदल देता है, कोई विपत्ति या आपदा जब आने का संकेत होता है वो। जी हाँ, ये सत्य है कि ये जो कुंड है इसके 7 कलर चेंज होते हैं। तो उसमें से जो है कोई विपत्ति आने वाली होती है, तो लाल और जो काला कलर इसका, यानी कि रेड और ब्लैक, वो बहुत अशुभ माना जाता है।
कोरोना काल में इसका लगभग 1.5 महीना ब्लैक कलर रहा था, तो माता रानी ने जो है वो पहले इंडिकेशन दे दिया था कि कोई आपत्ता आने वाली है, क्या आने वाली है वो माता जानती है। और लाल हुआ था 99 जब कारगिल में युद्ध हुआ था उस समय, तो लाल और काला कलर जो है वो अशुभ माना जाता है। तो बाकी जो उसके कलर है, सबसे अच्छा कलर जो है आज अभी आप देख रहे हैं जो हल्का सा स्काई ब्लू कलर है, ये बहुत अच्छा कलर है, ये पीसफुल कलर है, और इस कलर से जो है माता रानी बड़ी प्रसन्न है। तो और जो माता का जो विग्रह है वो किस तरीके से है, कैसे, ये स्वयंभू है या बाद में स्थापित किया गया, इसको क्या है ये? जी, ये जो आप अंदर मूर्तियाँ देख रहे हैं ये दोनों स्वयंभू मूर्तियाँ हैं, इसी जल में से निकली हुई है। और ये पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में एकमात्र मंदिर है जहाँ पे शिवलिंग के साथ माता रानी विराजमान है। तो दोनों मूर्तियाँ एक शिवलिंग की हैं और माता पार्वती की है। जी हाँ, इसमें एक शिवलिंग की है और दूसरी माता पार्वती, माँ भगवती का रूप है। तो ये दोनों मूर्तियाँ स्वयंभू हैं और इसे जल में से निकली हुई है। तो इनकी स्थापना 1912 में महाराजा प्रताप सिंह जी द्वारा की गई थी। तो माता जो है शील रूप में आई थी, जल रूप में, शील सागर होता है, जैसे कि जल, जिस प्रकार से आप जानते भी होंगे कि शीर जल को कहा जाता है, यहाँ पर भगवान विष्णु निवास करते थे, क्षीर सागर। जी, जी जी, ये वही क्षीर सागर रूप में माता रानी आई हुई थी। तो जब इन मूर्तियों की स्थापना करी गई महाराजा प्रताप सिंह जी द्वारा, तो उन्होंने माता जी को खीर का भोग लगाया, तो इसलिए इनको खीर भवानी के नाम से जाना जाता है। और तब से माता जी को खीर का ही प्रसाद चढ़ता है और खीर का भोग लगता है माता जी को, जैसे कि अभी हम लोगों ने अभी कुंड साफ हुआ अमृत कुंड, तो उसके बाद माता जी को भोग लगाया, तो वो प्रसाद जो है सारे भक्तों में बढ़ता है दिन भर। जी, जय माता, जय माता की। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और जैसे पंडित वेद जी ने बताया कि ये माता खीर के रूप में थी, तो इसलिए खीर भवानी भी था, और बाद में माता को चूँकि खीर का प्रसाद चढ़ने लगा तो वो खीर भवानी भी हो गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात पंडित जी ने बताई कि इस वक्त जल जो है बिल्कुल स्वच्छ है, नीले रूप में है, और एक आदर्श स्थिति है। और हम भी ये चाहेंगे माता से कि जैसे पंडित जी ने बताया कि शांति का प्रतीक है, तो सुख शांति का वातावरण बना रहे ना केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे देश में। और सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय माता की। बताते हैं कि सन 1890 में स्वामी विवेकानंद ने भी यहाँ आकर माता के दर्शन किए थे। मंदिर की खराब हालत देखकर उन्होंने इच्छा जताई कि क्यों ना इस मंदिर को सोने का बनवा दिया जाए, लेकिन माता ने कहा कि वो रावण की सोने की लंका छोड़कर आई हैं, इसलिए उनको सोने का मंदिर नहीं चाहिए। माता ने कहा कि वो जीर्ण शीर्ण मंदिर में रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका उद्देश्य मानव कल्याण है और सबका कल्याण इस मंदिर के जरिए होना चाहिए। यही कारण है कि इस मंदिर में आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी सभी धर्मों के लोग बराबर रूप से सेवा दे रहे हैं। मंदिर के बाहर जो प्रसाद की दुकानें लगी हैं उसे कई मुस्लिम समुदाय के लोग चलाते हैं। मंदिर समिति का मानना है क्योंकि माता का आदेश है, इसलिए हर वर्ग के व्यक्ति को माता की सेवा का मौका मिलना आवश्यक है। आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे मंदिर में सेवा दे रहे हैं? 18 साल। अच्छा, खीर बनाते हैं आप, और आप क्या करते हैं? ये हमारे पोजी जी है, यहाँ सेवा, सेवा करता है, झाड़ू पोछा सारा लगाता है, इसे एक अफसर है। अच्छा, बहुत बढ़िया है, ये काम करते हैं हमारे। बहुत अच्छा। ये मंदिर में लगने वाला भोग है माता को, खीर का, और सभी श्रद्धालुओं को ये खीर का प्रसाद दिया जाता है। तो आपने सुना कि मंदिर के पुजारी पंडित वेद जी का क्या कहना है। उन्होंने बताया कि मंदिर पौराणिक है, ऐतिहासिक है, और ये जो जल इस वक्त नीला है, स्वच्छ जल है, ये एक शुभ संकेत है, शांति का प्रतीक है कि शांति रहेगी। और हम उम्मीद करेंगे कि ना केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में शांति बनी रहे, माता की कृपा सब पर बरसती रहे। लोग यहाँ पर दूध का प्रसाद चढ़ा रहे हैं, अपनी मन्नतें मांग रहे हैं, और पूरी उनकी माता मन्नत करे, ऐसी हमारी माता से प्रार्थना है। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट के लिए, क्षीर भवानी मंदिर से अतुल सिंघल की रिपोर्ट।